हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके। यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। इंडिया एंड रशिया इस समय ब्रह्मोस मिसाइल के बाद सुखोई फाइटर जेट्स के लिए पार्टनरशिप करने जा रहे हैं एंड इसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही होगी एंड इंडिया सुखोई फ्लैंकर्स को प्रोड्यूस करने के बाद इंडिया एंड रशिया इसे अपने अपने एलाइज कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। आफ्टर ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया रशिया आई ऑन सुखोई फाइटर्स में एक्सपोर्ट SU-30 फ्लैंकर्स टू एलाइज। और आज मैं आपको इस वीडियो में इंडिया रशिया की सुखोई पार्टनरशिप की प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे इंडिया रशियन फाइटर जेट्स को इसके कंपोनेंट्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहा है एंड कैसे रशिया को आउट मतलब रशियन कंपोनेंट्स को मेड इन इंडिया कंपोनेंट से रिप्लेस करता जा रहा है। एंड अगर रियलिटी में बताऊं तो इंडिया रशियन फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट को डोमिनेट करता जा रहा है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रशिया एंड इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का ज्वाइंट प्रोडक्शन किया है एंड ब्रह्मोस की सक्सेसफुल प्रोडक्शन के बाद रशिया एंड इंडिया SU-30 सीरीज के कई मॉडल्स को मॉडर्नाइज अपग्रेड करके फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए इंडिया की हाल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी 272 SU-30 MKI को अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया हुआ है एंड सुखोई सीरीज के रशियन फाइटर जेट्स ओवर द डिकेड्स इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहे हैं। देखिए 2004 से ही रशिया एंड इंडिया ने 272 SU-30 फाइटर जेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रॉम रशिया इन बैचेस, जिसमें से 222 फाइटर जेट्स हाल ने नासिक के प्लांट में असेंबल किए थे अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT एंड 40 SU-30 फाइटर जेट्स मॉडिफाई किए जा रहे हैं टू कैरी द एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। एंड इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस इक्विप्ड स्क्वाड्रन टाइगर शार्क्स को 2022 में थांजूर एयरबेस तमिलनाडु में डिप्लॉय किया हुआ है जो पूरे इंडियन पेनिनसुला एंड इंडियन ओशन रीजन IOR पर नजर रखे हुए है। देखिए IAF 20 सुखोई फाइटर जेट्स ऑर्डर करना चाहती थी क्योंकि ओवर द इयर्स इंडियन एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे एंड इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रंस की शॉर्टेज थी एंड रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल SU-30 MKI परचेज किया हुआ है एंड प्रेजेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज 31 फाइटर स्क्वाड्रंस अगेंस्ट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 42। देखिए ओवर द सीवरल इयर्स हाल हैज डेवलप्ड ए वेंडर बेस ऑफ ओवर 2000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME फॉर द सुखोई प्रोजेक्ट एंड रीसेंट ईयर्स में हाल इंटायर इंडियन एयरफोर्स की सुखोई फ्लीट में मेजर अपग्रेड कर रहा है एंड ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड होने के बाद इंडियन एयरफोर्स को 2050-60 तक सर्विस दे सकेंगे, फ्लाई कर सकेंगे एंड जो मोस्ट लीथल चेंजेस सुखोई में किए गए हैं वो 3 ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को इन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है एंड ये सारे मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट इनॉर्मस इन साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिवन बैटलफील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है एंड ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है जो माइटी ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है। देखिए सुखोई 30 MKI में जो आई लगा है वो आई स्टैंड फॉर इंडिया क्योंकि सुखोई MKI रिसेंट अपग्रेड्स के बाद इस फाइटर जेट्स में 78% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, मतलब इंडिया रशियन कंपोनेंट्स पर से अपनी निर्भरता डिपेंडेंसी को कम करता जा रहा है एंड इंडिया का एम पूरी तरह SU-30 MKI को इंडिया में ही बिल्ड एंड मेंटेन करने का है एंड इंडियन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने SU-30 MKI में AL-31F इंजन से अपग्रेड किया है डोमेस्टिकली जो SU-30 MKI की सर्विस लाइफ को एडिशनल 1500 आवर्स तक फ्लाई करने की कैपेबिलिटी
प्रोवाइड करता है एंड इसकी EW कैपेबिलिटी जो SU-30 MKI को इंडिजीनस हाई जैमर पॉड HBT ध्रुति रडार वार्निंग सिस्टम एंड ड्यूअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से इनहांस किया जाएगा। कुल मिलाकर ये न्यू SU-30 MKI इंडियन वर्जन पुराने 2019 के रशियन वर्जन एयरक्राफ्ट से बहुत खतरनाक फाइटर जेट बन चुका है एंड इसको आप अब द इंडियन SU-30 MKI कह सकते हैं। देखिए रशिया से इंडिया की SU-30 MKI फाइटर जेट की डील, इंडिया की जियो पॉलिटिकल कंपल्जन्स एंड रशिया एंड रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक हेल्पिंग हैंड था, क्योंकि रशिया 1991 में पूरी तरह कोलैप्स कर चुका था एंड रशिया की इकोनॉमी भी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी एंड रशियन डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी कई टुकड़ों में एंड कई देशों में बिखर चुकी थी जो सोवियत के कंट्रोल में नहीं थी। एंड ये वो समय था जब इंडिया ने रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को बेल आउट मतलब मदद की थी एंड इंडिया ने मिग सीरीज के SU-30 फ्लैंकर्स एंड SU-30 MKI मिलकर डेवलप किए एंड इन 2000 रशिया ने $3 बिलियन की डील एंड इंडिया को लाइसेंस दिया और इसके बाद इंडिया ने इंडिजीनस SU-30 MKI के कंपोनेंट्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए इंक्लूडिंग AL-31FP थर्स्ट फैक्टरिंग इंजन्स। कुछ सालों पहले रशिया ने इंडिया से डील करने से पहले चाइना को SU-30 फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट किए थे, पर रशिया ने चाइना को SU-30 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाइना को नहीं दिए थे एंड रशिया इंडिया की इस डील को रशिया के मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंस डील कहा जाता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू नो इज रशिया इन फाइटर जेट्स को बिना इंडिया के रिटेन परमिशन के किसी भी थर्ड कंट्री को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट इंडियन टैक्स पेयर्स के मनी पर हुई है, सारा पैसा इंडिया का लगा हुआ है एंड इंडियन सुखोई में एडवांस्ड इजरायली एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगा हुआ है जो SU-30 को स्टैंडर्ड चाइनीज SU-30 से बिल्कुल अलग बनाता है। इसके अलावा SU-30 MKI हैज वेरियस मिसाइल्स इंक्लूडिंग द रशियन ओरिजिन R-73, 77 एंड इंडियन मेड एस्ट्रा एंड ब्रह्मोस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।